चलिए भाई एक और प्रूफ हम लोग देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे पहले ये बता दूं कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम है ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है और ये किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्केलन ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलीस ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, कई सारे ट्रायंगल्स हैं लेकिन ये केवल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा आपको कि एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखिए कहां से ये आया। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक स्क्वायर बना लीजिए, एक आप ये स्क्वायर बना लीजिए ए बी सी डी। अब ये स्क्वायर है तो ये इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। तो यहां पर कोई सा भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर एक कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसका नाम मैंने दे दिया P, इसका नाम मैंने दे दिया P दे दिया, और लेट कर लिया कि यहाँ से A से P तक का जो डिस्टेंस है ये X है, इसको ये लेट कर लिया, और इसको ये लेट कर लिया कि हमारा ये Y है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो इसके ऑल एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस X है, अब B से फिर X डिस्टेंस मेजर करेंगे, मान लो वो यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स होगा और ये डिस्टेंस हमारा वाई होगा। फिर वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ये डिस्टेंस ले लीजिए एक्स होगा तो ये हमारा वाई हो जाएगा, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ये डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया और ये डिस्टेंस हमने वाई ले लिया, इनके नाम दे दिए पी क्यू आर एस। अच्छा देखिए, ए पी और बी क्यू और सी आर और डी एस ये बराबर है अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो जो आपको ये क्वाड्रिलेटरल मिलेगा ये भी एक स्क्वायर ही होगा, क्योंकि देखिए ना ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस ये और ये वाई वाई ये सब डिस्टेंस हमारे बराबर है, तो पी क्यू आर एस भी हमको एक स्क्वायर ही मिलेगा। और इसकी साइड हमने लेट कर ली कि ये साइड अगर ये स्क्वायर है चारों साइड इसकी इक्वल होंगी, और ये जेड है तो ये भी जेड होगी, ये भी जेड होगी और ये भी जेड होगी। चलिए अब देखते हैं। अच्छा प्रूफ देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, साइड स्क्वायर होता है तो साइड कितनी हमारे पास एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये चार हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं और एक ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, अगर इन पांचों का एरिया अगर आप ऐड कर दो तो एरिया ए बी सी डी मिल जाएगा हमको। तो ठीक है, तो आप यहां पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एस आर प्लस एरिया पी क्यू आर एस। तो ये हमारा किसके बराबर होगा? एरिया ए बी सी डी इसके बराबर होगा ये हमारे पास। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस, ए पी एस इसमें 90 ए पर है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारा एक एंगल 90 है तो हम लोग इसका एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। 1/2 बेस कितना है इसका? एक्स। हाइट कितनी है? वाई। पी बी क्यू में भी देखिए यही होगा, एक्स इंटू वाई प्लस इन चारों में यही कंडीशन होगी। अब देखो आपको बता दूं, एरिया डी एस आर, डी एस आर देखो डी एस आर ये देखो 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर होगा, इसको बेस ले लो तो एक्स और वाई हर जगह, तो ये 1/2 एक्स इंटू वाई। एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हमारा? स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 1/2 xy 1/2 xy 1/2 xy 1/2 xy, फोर टाइम्स आई है तो 4 × 1/2 x × y प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये 2xy
प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो आप देखिए टू एक्स वाई से टू एक्स वाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आया जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए कैसे 90 के सामने वाली साइड क्या है, जेड। यहाँ पर देखेंगे फिर भी जेड, यहाँ भी जेड, यहाँ भी जेड, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है।